हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी फॉर बायोलॉजी मस्ती। आज हम आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे जानने के बाद आपको लगेगा कि हम कुछ सीखे हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, क्या आपको ये पता है कि जामुन खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। जामुन खाने से फायदे तो आप लोग को हो सकता है पता भी होगा कि जामुन खाने से क्या फायदे होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जामुन के बीज से क्या फायदे हैं? नहीं ना, तो सुनिएगा, है ना। जामुन के जो बीज होता है, ध्यान रखिएगा, जो जामुन होते हैं और जामुन के बीज होते हैं, है ना, तो जामुन के बीज से क्या क्या फायदे होते हैं। तो जामुन के बीज को यदि बारीकी से पीसा जाए, मतलब कि अच्छे तरीका से पीसा जाए, है ना, तो जामुन के बीज को बारीकी पीसकर पानी या दही के साथ लेना, है ना। ध्यान रखिएगा, यदि आप जामुन का सेवन करते हैं, जामुन खाते हैं, तो जामुन को खाते हैं और क्या करते हैं, उसके बीज को आप लोग फेंक देते हैं। लेकिन भैया, आज के बाद जामुन खाने के बाद बीज को भी नहीं फेंकना है, है ना। बीज को भी एकदम आराम से करके रख लेना है कटोरी में करके, है ना, और बीज को क्या करना है, एकदम अच्छे तरीका से मिक्सचर मशीन में पीस देना है, या रोड़ी पाटी लेके कोस के रगड़ के पीस देना है, है ना। और पीस कर करना क्या है, पानी में या किस में, दही में, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो पानी में या तो दही में, किसी के भी साथ ले करके, है ना, यदि उसमें मिला करके आप उसका सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, कैंसर और पथरी के लिए लाभदायक होता है, है ना। तो मतलब कि जो पेशेंट कैंसर के हैं या जो पथरी के हैं, जिनको पथरी है या कैंसर है, वो व्यक्ति क्या करें, तो जामुन के बीज को अच्छे तरीका से पीसकर पानी या दही के साथ उसका सेवन करें, उनके बॉडी के लिए लाभदायक साबित होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, क्या आपको पता है काजू से क्या क्या फायदे हैं? काजू तो आप लोग खाते हैं, आप लोग कहता है ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है, ना, बिल्कुल सही। आप लोग कहते हैं बॉडी बनता है, अरे बउआ अच्छे से जानिए, है ना, बॉडी तो बनता ही है, लेकिन मुख्य रूप से काजू का जो उपयोग है वो एनर्जी के लिए होता है, है ना। ताकि आपको क्यों कहा जाता है कि सुबह सुबह जब दो गो काजू खा लो, दो गो किशमिश खा लो, दो गो छोहारा खा लो, है ना, काहे, समझिएगा, दो गो काजू खाने से क्या फायदा होता है। आपको कहता होगा दो चार गो काजू रोज सवेरे सवेरे उठ के खाई, है ना, मुंह कान धो के, तो आपको लगता है ये 12 गो रोटी खाई है, दो गो काजू से क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा, दो गो काजू से क्या हो जाता है, है ना, कह रहा है क्या, काजू का सेवन, ध्यान रखिएगा, है ना, काजू का सेवन करने से हमारी बॉडी को भरपूर एनर्जी मिलता है। यदि हम काजू का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी को क्या होगा, भरपूर एनर्जी मिलेगा, है ना, मतलब कि अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगा। कब? जब हम सुबह सुबह काजू का सेवन करेंगे, तब काजू खाएंगे, तब। करा हर रोज अगर आप 3 से 4 काजू का सेवन करेंगे तो ऐसे आपका शरीर पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, है ना, समझ लीजिए। कह रहा है यदि जो काजू का सेवन करने से क्या होगा, हमारे बॉडी में एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगा, और अगर या जो हम रोज 3 से 4 काजू का सेवन करेंगे तो हमारा शरीर पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, हमारे शरीर में पूरे दिन ऊर्जा मिलेगा, यानी कि एनर्जी मिलेगा भरपूर मात्रा में। तो हमें काजू खाने से ये फायदा है, क्या फायदा है, पता चल गया, एनर्जी दिन भर हमें अच्छे तरीके से भरपूर मात्रा में मिलेगा, जितना चाहिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, किशमिश, किस चीज का फिगर है, किशमिश का, है ना,
किशमिश खाने से भैया क्या फायदा है, देख लीजिए किशमिश का फायदा जान लीजिए आप लोग, है ना। कह रहा है देखिएगा किशमिश का क्या क्या फायदा है, किशमिश खाने वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि आप रोज खाली पेट, ध्यान रखिए किशमिश खाने से क्या फायदा है, और यदि बोला जाए तो हम तो सबको कहेंगे भैया किशमिश से ज्यादा किशमिश का पानी जो होता है, यदि रात में आप किशमिश को थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा जल में रख दें भिगने के लिए, है ना, और उसे भिगने के बाद सुबह में यदि आप खाली पेट में उस पानी को पीते हैं तो मत कहिए, देखिए कितना फायदा है, है ना, मत कहिए। आपके बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड का लेवल ही बढ़ा देगा, साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा, है ना। करा यदि आप रोज खाली पेट सिर्फ एक महीने तक, ज्यादा दिन नहीं भैया, एक महीना, बस एक महीना तो काफी है ना, लेकिन आप चाहें तो दो महीना साल भर सब दिन किशमिश का सेवन इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप रोज खाली पेट सिर्फ एक महीने तक किशमिश का पानी पीते हैं, बस किशमिश खाना नहीं है, खाली पानी ही पीजिए ना, और खाइए तब और बढ़िया बात है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर बोले हैं खाली किशमिश के पानी पिए ले तो पनिया पी लिया, किशमिश या फेंक दिए, नहीं, है ना, पानी में पीजिए और बाद में खा भी लीजिए, लेकिन कुछ खाने से पहले ही पानी पीना है खाली पेट में, है ना। तो किशमिश का पानी पीते हैं तो यह आपके खून को साफ कर देता है, है ना। यदि आप किशमिश का पानी खाली पेट में पीते हैं तो वह पेट को क्या करता है, साफ कर देता है, क्लीन कर देता है, जिसके कारण आपकी त्वचा चमकने लगती है, जिसके कारण क्या होता है आपकी त्वचा चमकने लगती है, मतलब स्किन में क्या आ जाता है, चमक आ जाता है, फेस पर लाइट आ जाता है ना। जैसे कि किसी का यदि फेस में लाइट वगैरह नहीं हो, लाइट उठ चला गया है ना, थोड़ा सा देखने भद्दा उद्दा लग रहा है, तो वो क्या करें, एक महीना एकदम कंटिन्यू लगातार किशमिश को फूलने के लिए दीजिए रात में, और सुबह सुबह एकदम उठिए और खाली पेट में एक गिलास पानी एकदम पी लीजिए दबोच के, है ना, उसके बाद किशमिश उसमें खा लीजिए थोड़ा देर के बाद, तब देखिए क्या मजा है, पूरा खून साफ एकदम क्लीन और त्वचा का लाइट एकदम, मत कहिए गजब का लगेगा, है ना। क्या और कह रहा, और सारे किल मुहासे मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि आपके मुंह में जितना भी मुहासा वगैरह रहता है ना, स्किन पर जितने मुहासे रहता है ना, दाग धब्बा वगैरह जैसा रहता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यदि आपके फेस पर मुहासे वगैरह हो गया है तो वो सब क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, और आपका फेस का, आपका त्वचा का, स्किन का लाइट क्या होता है, बढ़ जाता है। कब, जब आप सुबह सुबह खाली पेट में किशमिश का पानी पीते हैं तब, है ना। किशमिश का पानी कैसे पीजिएगा, तो किशमिश को रात में क्या कीजिएगा, पानी में भिगोने के लिए दे दीजिएगा, है ना। यदि अब आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, है ना, तो ध्यान रखिएगा क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं, चीकू के बारे में, है ना। चीकू, चीकू देखिएगा कह रहा है, क्या जान लीजिए चीकू के बारे में भी थोड़ा सा, है ना। कह रहा है चीकू में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, चीकू फल है ना, ये हो गया चीकू, ये क्या हो गया, चीकू। चीकू में क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और यह आंखों को सेहतमंद बनाए रखने में सहायता करता है, मतलब हमारे आंख के लिए, है ना, आंख के लिए सेहतमंद फल कौन है, तो चीकू। यदि आप चीकू का सेवन करते हैं तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, जो हमारे आंखों के लिए क्या है, सेहतमंद है, है ना। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, है ना, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।